एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंधविश्वासी दादी ने पोते को गर्म सरिये से दागा, कबाड़ खरीदने का झांसा देकर लाखों की ठगी। 18 महीने में 36 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल में गिरने से 9 साल के बच्चे को कंधे और पसलियों में फ्रैक्चर हो गया। हैरानी तो तब हुई जब परिवार वालों ने अस्पताल ले जाने के बजाय चोट वाली जगह को गर्म सरियों से दाग दिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे दागने से इन्फेक्शन भी हो गया है, उसे लगातार बुखार आ रहा है। बैतूल के भीमपुर विकास खंड से 40 किलोमीटर दूर खैरा गांव में रामोती बारसकर गांव में आंगनवाड़ी सहायिका है। उसके मुताबिक पिछले गुरुवार किराना दुकान से सामान लाते समय उसका 9 साल का बेटा आयुष गिर गया था। इससे उसके कंधे और पसलियों में काफी चोट आई थी। अस्पताल के दूर होने और आने जाने के लिए साधन का अभाव था, इसीलिए आयुष की दादी ने घर पर ही इलाज शुरू कर दिया। दादी ने फसल काटने वाले सरियों को लाल होने तक गर्म किया। इसके बाद इन सरियों से आयुष के कंधे, हाथ और पसलियों की जगह जगह कई बार दागा। इस वजह से आयुष के शरीर पर जलने के निशान भी बन गए हैं। गांव के इलाज और दागने के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ने पर उसकी माँ उसे लेकर भीमपुर पहुंची। यहाँ उसे बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूसरी खबर, कबाड़ खरीदने का झांसा देकर व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी की गई। शनिवार को MIDC थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वानाडोंगरी स्थित कृष्णा लैंडमार्क निवासी मुस्तफा हसन राज खान का AK इंटरप्राइजेस नामक से दफ्तर है। दफ्तर से कबाड़ खरीदी बिक्री का कारोबार होता है। 20 फरवरी से 12 मार्च 2021 के बीच आरोपी रोशन भैसारे जयरपटका निवासी ने मुस्तफा को बताया कि उसे सरकारी कबाड़ खरीदने का ठेका मिला है। NADT ऑफिस में उसकी जान पहचान होने से वह कबाड़ दिला सकता है। इसके लिए रोशन ने मुस्तफा को 11,50,000 रुपए खाते में जमा कराने के लिए कहा था। झांसे में आए मुस्तफा ने रोशन के खाते में रकम जमा करा दी, लेकिन उसे कबाड़ नहीं मिला। तीसरी खबर, वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। शनिवार को लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ मई 2020 की शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।